उन्होंने जानबूझकर बिहार की जनता को धोखा दिया। अरे भाई, ये महाराष्ट्र ने किया, मध्य प्रदेश ने किया, कई देश के राज्यों ने किया। ये जो वर्तमान बिहार सरकार है उसके मुखिया का पुतला दहन कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन, मैं हूं आपके साथ कमलेश। इस वक्त इनकम टैक्स चौराहे पे मौजूद हैं। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव में जिस तरह से हाईकोर्ट के आदेश आए उसके बाद जो है राज्य निर्वाचन आयोग ने इस पर पूरी तरह से अभी रोक लगा दी है। 10 और 20 अक्टूबर को जो चुनाव होने वाले थे उस पर रोक लगा दी। इसी को लेकर के जो है राजनीति गहमागहमी तेज हो गई है, जहां जदयू जो है बीजेपी पर हमलावर है, वहीं बीजेपी जो है जदयू पर हमलावर है। इस वक्त जो है नीतीश कुमार का जो है अति पिछड़ा विरोधी बताकर वो डकमंगला चौराहा पहुँचे थे और नीतीश कुमार का जो है पुतला दहन भी किए थे। आइए उनसे जानते हैं कि क्यों ये लोग यहाँ पहुँचे थे। जिसको नीतीश कुमार जी के वजह से, बिहार सरकार की वजह से ये कोर्ट को ये निर्णय लेना पड़ा कि चूंकि आयोग समिति का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए यह चुनाव में सबसे पहले आयोग द्वारा त्रिलेयर निरीक्षण किया जाए। तो इसके लिए पूरी तरह से बिहार सरकार दोषी है और इसीलिए आज हम लोग ये जो वर्तमान बिहार सरकार है उसके मुखिया का पुतला दहन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट फिर जाने का फैसला, थ्रिलेयर सर, बिहार सरकार फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला की है। अच्छा है, ये पहले उनको करना चाहिए था। एक तो उन्होंने जानबूझकर बिहार की जनता को धोखा दिया। ये आयोग गठित क्यों नहीं किया? आज आयोग गठित ही तो जानबूझकर चुनाव नहीं हो, इसके लिए षड्यंत्र के तहत उन्होंने चुनाव भी झूठा प्रलोभन देकर बिहार की जनता को ठगने के पक्ष को वहां रखा है और तब न्यायालय ने अपने आदेश सुनाया। बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आयोग का गठन क्यों होगा? अरे भाई, ये महाराष्ट्र ने किया, मध्य प्रदेश ने किया, कई देश के राज्यों ने किया और ये अकेले अपना कानून बना रहे हैं तो भोगे। वो तो कह रहे थे कि 2006 से ये कानून बने हुए हैं, 50% आरक्षण नहीं है तो आयोग का गठन। उनसे पूछिए। तो आपने साफ तौर पे सुना जो है इन लोगों का कहना है कि जो है नीतीश कुमार जो है सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना किए हैं, वो आरक्षण विरोधी बताकर आपने सुना जिस तरह से ये इनका कहना है कि नीतीश कुमार जो है अति पिछड़ा विरोधी है, नीतीश कुमार जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किए हैं, इसी लेकर के जो है हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि अब जो है ये आरक्षण का जो मामला है वो समाप्त हो जाएगा। नगर निकाय चुनाव जो है उसको लेकर के जो है निर्वाचन आयोग ने भी जारी कर दिया कि अब जो है निर्वाचन आयोग की तरफ से साफ तौर पर कह दिया कि 10 और 20 अक्टूबर को जो चुनाव होने वाले थे तत्काल इसको रोक लगा दी गई है। अब जिस तरह से ये तकरार लगातार बढ़ रही है, वहीं बीजेपी की ने इसका पुतला दहन भी किया। नीतीश कुमार को जो है अब जदयू भी जो है हल्ला बोल करेगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पटना।